Good afternoon, everyone. We will continue with the chapter 5, festivals. So by the time yesterday and day before yesterday, we read about the religious festivals. Okay? Read about religious festivals. Here are some. First, we read about Dussehra, then about Durga Puja, Diwali, Eid, Christmas, and Guru Purab. Again, we have read about these 5 religious festivals in the previous days. I repeat, Dussehra, Durga Puja, Diwali, Eid, Christmas, and Guru Purab. Now, we will continue with the rest of the festivals. And now, next, I am giving, raise your hand who want to read. Pallavi, you have already read yesterday. Myra, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. Okay, beta. Yes, ma'am. Start reading from Holi, from the religious festival Holi. Holi is called the festival of colors. It begins with the burning of Holika. Holika was a bad woman who wanted to kill her God-fearing nephew, Prahlad. Ask your teacher to tell you the story of Holika. Next page pe continue karo beta isko, isi festival ko. 2 page. Holi, because on each other, children enjoy colored water with which. People sing and dance. Am I audible clearly, Vite? Let me know. Ma'am, yes. Okay, but yes. Myra, actually your voice was breaking. That's why I asked. So, next festival we will study today is Holi. Okay? Holi ko festival of colors bolte hain. Aapko pata hai, Holi wale din hum alag-alag colors use karte hain. Aur apne friends ke, relatives ke, neighbors ke, sab ke saath hum colors ke saath khelte hain. Aur sab ko rang lagate hain. So, Holi is the festival of colors. It begins with the burning of Holika. होली जो है उस दिन होलिका जलाई जाती है. अब होलिका कौन थी? होलिका एक बैड वुमन थी जो कि अपने नेफ्यू प्रहलाद को मारना चाहती थी. अब यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है होली की. जो प्रहलाद था वो होलिका का नेफ्यू था, लेकिन वो भगवान में विश्वास करता था. ठीक है, जो प्रहलाद के फादर थे वो राजा थे. वो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं भगवान से भी बड़ा हूँ. लेकिन जो प्रहलाद था वो भगवान का भगत था. सो उसको होलिका जो थी प्रहलाद को लेके जलती हुई आग में बैठ गई थी. होलिका जल गई थी लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ. सो ये स्टोरी है. लेकिन होलिका को एक वरदान था कि आग उसको जला नहीं सकती. इन स्पाइट ऑफ दैट, होलिका जब आग में प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी तो प्रहलाद बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान को मानता था. ठीक है, लेकिन जो होलिका थी वो जल गई थी. सो दिस वॉज द स्टोरी बिहाइंड होली. इसीलिए उस दिन होली वाले दिन होलिका जलाई जाती है. इसका मतलब है बुराई को खत्म करना. सो पीपल एक दूसरे के ऊपर कलश फेंकते हैं. बच्चे जो हैं पिचकारी में कलर डाल के खेलते हैं. पिचकारी में पानी, वो पानी में कलर्स खोलते हैं, उसको पिचकारी जाती हैं, उनमें कलर डालते हैं और फिर वो कलर जो है वो एक दूसरे पे डालते हैं और इस तरह से आप होली को, सब जने होली मनाते हैं. ठीक है, लोग डांस भी करते हैं और गाते भी हैं. और होली वाले दिन एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसको कि बोलते हैं गुजिया. होली वाले दिन स्पेशल डिश बनाई जाती है, उसको गुजिया बोलते हैं. जैसे हमने डिस्कस किया था, ईद को सेवैया बनती है, क्रिसमस में प्लम केक बनता
है, दिवाली पे अलग अलग तरह की स्वीट्स बनती है, गुरुपुरब पे लंगर होता है, ठीक है, इस तरह होली वाले दिन गुजिया बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज भावेश शर्मा, अपने आप को अनम्यूट करोगे और नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट फेस्टिवल इज पोंगल। भावेश शर्मा आपने हैंड भी रेज किया हुआ है। Yes, ma'am, wait, ma'am, wait, हाँ जी बेटा, पोंगल स्टार्ट करोगे आप। भावेश पहले तो आपके पीछे से जो नॉइज आ रही है ना वो खत्म करो उसको पहले। जहाँ आप बैठे हो वहाँ पे कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए। जब आप माइक को अनम्यूट करते हो ना तो पीछे से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ओके नाउ स्टार्ट भावेश। यस मैम। हाँ जी बेटा, यस मैम। नेक्स्ट फेस्टिवल पोंगल है, उसको रीड करो। पोंगल इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। इट कम्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। पीपल वॉर्शिप रेन गॉड, रेन, द सन गॉड एंड द मदर काउ। यस मदर काउ। हार्वेस्टेड राइस। वॉइस इज ब्रेकिंग। गुड भावेश, आपने बहुत अच्छे से रीड किया बेटा, लेकिन जो वॉइस थी वो ब्रेक हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई, सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर। नो इशू, कीप योर कैमरास ऑन ऑल ऑफ यू। ओके मैम। ओके मैम। नाउ पोंगल। पोंगल जो है वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु। बोलो बेटे, सब जने बोलो, पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु। सब जने बोलो, पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु। बेटे तमिलनाडु एक स्टेट है साउथ में। हम इंडिया का मैप देखें तो साउथ जो है वो नीचे को है और वहां पे स्टेट है तमिलनाडु। इट कम्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। पोंगल जनवरी के मंथ में मनाया जाता है और इसको 3 days के लिए मनाते हैं। इस दिन फर्स्ट से पूजा की जाती है रेन गॉड की, उसके बाद सन गॉड की और इसके साथ मदर काउ की पूजा भी की जाती है। रेन गॉड इज वर्शिप, सन गॉड इज वर्शिप एंड देन मदर काउ इज आल्सो वर्शिप। पोंगल पे पूजा की जाती है मदर काउ की भी और एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, राइस बनाए जाते हैं स्पेशल तरीके से, जिसको कि पोंगल राइस बोलते हैं। और इस दिन पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का फेस्टिवल है, 3 days के लिए मनाया जाता है और जनवरी के मंथ में मनाया जाता है। और पोंगल में सन गॉड, रेन गॉड और काउ की वर्शिप पूजा करते हैं लोग और इस दिन स्पेशल तरीके से राइस बनाए जाते हैं, उनको पोंगल राइस बोलते हैं। ये राइस क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो राइस है इट इज न्यूली हार्वेस्टेड, उस टाइम जो राइस की जो फसल है उसको काटा जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो पोंगल है वो एक तरह का तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल भी हो गया बेटा, ठीक है। राइस जो है, चावल की जो क्रॉप है उसको काटा जाता है और लोग इस दिन पोंगल का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और पोंगल और पोंगल के नाम से वो शाउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट अनम्यूट करेगा अपने आप को बयान चोपड़ा। अनम्यूट कीजिए बेटा, इट इज वेरी गुड दैट यू हैव ज्वाइंड द क्लास टुडे। बयान आप रीडिंग करोगे नेक्स्ट। देन ओनम। ओनम इज द नेक्स्ट फेस्टिवल।
Yes, Vyan. Please start. बेटे आपने अपने आप को अनम्यूट करके फिर से म्यूट कर लिया. अनम्यूट योरसेल्फ व्यान एंड स्टार्ट रीडिंग. नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम बच्चे. आई एम वेटिंग व्यान. नो नो रिस्पॉन्स. एतश्वीर 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 अनम्यूट कीजिए. आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी. बोलिए एतश्वीर लाउडली रीड करो. एतश्वीर आपने म्यूट कर लिया आपने आपको. अनम्यूट कीजिए बेटा एंड रीड लाउडली. ओनम ओनम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला. इट कम्स इन द मंथ किंग महाबली Visit has his kingdom during these days. Uniting young girls, young girls dance Kathakali. The main attraction. Of this festival is snake boat race. Of snake boat race. Right, beta. Your voice is seems coming from a distance. So now this is very good, Eteshwir. Now Onam. Onam is the most important festival of Kerala. Onam जो है वो Kerala का बहुत ही important festival है. और ये August और September के month में आता है. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया पोंगल जनवरी में आता है, ऐसे ओनम है वो आता है अगस्त में या सितंबर में. और ओनम को 4 days के लिए सेलिब्रेट करते हैं. ओनम इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days. ओनम फेस्टिवल है केरला का, सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, सेलिब्रेटेड फॉर 4 days. पीपल बिलीव दैट महाबली विजिट हिज किंगडम ड्यूरिंग दिस डेज. लोग समझते हैं, लोगों का मानना है कि महाबली इस दिन उनके राज्य में आते हैं. और यंग गर्ल्स जो हैं वो कथकली डांस करती हैं. कथकली डांस की एक फॉर्म है. ठीक है, ओनम में कथकली डांस, ओनम वाले दिन जो गर्ल्स हैं वो कथकली डांस करती हैं. और मेन अट्रैक्शन जो इस फेस्टिवल की है वो है स्नेक बोट रेस. इस दिन स्नेक बोट रेस की जाती है. ये देखो आपकी बुक में दी है पिक्चर. एक बोट होती है जिसकी जो शेप है वो स्नेक की तरह होती है. ठीक है, और इस दिन बोट रेसिंग होती है. इसको स्नेक बोट रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोट की शेप स्नेक की तरह है और बोट रेस इस दिन होती है. सो दिस इज अबाउट द फेस्टिवल ओनम. एम आई ऑडिबल क्लियरली? बिकॉज सम कनेक्टिविटी इश्यू इज देयर. नॉट एम आई ऑडिबल क्लियरली बच्चे? Write in chat box please. Okay, voice is cracking. Okay, yes. Okay bachche, so we will continue. Next is Ganesh Chaturthi. Aryan Sidhu bete aap boliye. Ganesh Chaturthi, Aryan Sidhu. मैम जिसका नेम लेते हैं ना वो अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी से स्टार्ट करेगा बेटा, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आपकी रीडिंग आपको आ जाए. हाँ जी, आ मैम इन स्पेनिश डे से स्टार्ट कर. गणेश चतुर्थी से करना. आर्यन, पेज नंबर 32.
Yes, ma'am. It is the many festival of Maharashtra. Maharashtra people worship Lord Ganesha on this day. They bring idols of Lord Ganesha of their houses and worship them after few days the idols are आपने अपने आप को अनम्यूट करो सर इन वाटर शाबाश बेटा थोड़ी सी मिस्टेक आपने की है मेरे साथ बोलो आपने मेन को मैंने बोला है बोलो मेन फेस्टिवल अनम्यूट करो आर्यन मेन फेस्टिवल बोलो मेन फेस्टिवल शाबाश महाराष्ट्र सब बच्चे बोलो महाराष्ट्र सब बोलो महाराष्ट्र महाराष्ट्र गुड लॉर्ड गणेशा लुक गॉड गणेशा आइडल्स इमर्स्ड वर्शिप आपने प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की आर्यन दिस इज वेरी गुड बच्चे नाउ गणेश चतुर्थी मेन फेस्टिवल महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र भी इंडिया की एक स्टेट है इंडिया में 28 स्टेट्स हैं ठीक है महाराष्ट्र उसमें से एक है महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल गणेश चतुर्थी है इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और भगवान गणेश की मूर्तियां आइडल्स भी उनकी मूर्तियां जो हैं लोग घर लेके आते हैं और उसकी पूजा करते हैं और फिर बाद में गणेश चतुर्थी खत्म होने पे उन आइडल्स को पानी में बहा दिया जाता है आपने टेलीविजन में काफी बार देखा होगा गणेश चतुर्थी के बाद जो है गणेश जी के आइडल जिनकी पूजा की जाती है उसको पानी में बहा दिया जाता है सो दीज वर द फेस्टिवल्स विच वी हैव डिस्कस्ड पोंगल ओनम एंड गणेश चतुर्थी दीज आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पोंगल एंड ओनम आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स गणेश चतुर्थी इज अगेन रिलीजियस फेस्टिवल ठीक है नेक्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल हनूर यू वॉन्ट टू रीड किया था बेटे अपने आप को अनम्यूट कीजिए एज नंबर 32 लास्ट टाइम नेशनल फेस्टिवल स्टार्ट बेटा नेशनल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल व्हिच ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री सेलिब्रेट टुगेदर दिस फेस्टिवल रिमाइंड अस अबाउट The important events of our country we mainly celebrate three national festivals. Very good, beta. Hanur, आप बार बार chat box पे नहीं लिखोगे. Don't write in the chat box. जो child पढ़ रहा है उसको सुनो ध्यान से पहले. Now national festivals. National festivals are the festivals. वो नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स हैं जो उस नेशन के सब लोग मिलकर मनाते हैं ठीक है हमारे इंडिया के थ्री नेशनल फेस्टिवल्स हैं इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती और होल इंडिया सारा इंडिया इन थ्री फेस्टिवल्स को मिलकर मनाता है और इन थ्री फेस्टिवल्स पे नेशनल हॉलीडे होती है नेशनल हॉलीडे का मतलब सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सारे बंद होते हैं ठीक है आपके स्कूल में भी ऑफ होता है ये फेस्टिवल हमें रिमाइंड करवाते हैं याद दिलवाते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ अवर कंट्री ये फेस्टिवल हमें याद करवाते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं वो हमारे देश में हुई थी इंडिपेंडेंस डे आजादी से लिंक्ड है रिपब्लिक डे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और गांधी जयंती फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है उनका बर्थडे है सो ये नेशनल फेस्टिवल्स हमें रिमाइंड करवाते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो है हमारी कंट्री के नंबर वन फेस्टिवल इज इंडिपेंडेंस डे हर लोग अपने आप को
नंबर वन फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे. हनूर आपने कल रीड किया था बच्चे, कल या डे आफ्टर वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे? नहीं किया था. ओके बेटा आप एक ही बार लिखोगे चैट बॉक्स में, बार बार रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है? सबकी टर्न आती है. ओके हनूर स्टार्ट करो बच्चे इंडिपेंडेंस डे. अनम्यूट कर लो बेटा, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया हनूर. हनूर अनम्यूट कीजिए. बेटा रीड करो, स्टार्ट करो रीडिंग. इंडिपेंडेंस डे की करोगे हनूर बेटा? हाँ जी बेटा बोलो, बोलोगे बेटे, रीड करोगे? अनम्यूट करो अपने आप को, आपने फिर म्यूट कर लिया. इंडिपेंडेंस डे करो. वेरी गुड आफ्टरनून. स्टार्ट करो बेटा रीडिंग इंडिपेंडेंस डे फास्ट. वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन इंडिपेंडेंस डे. बच्चे इंडिपेंडेंस डे पहले आपकी बुक में इंडिपेंडेंस डे है ना, वो रीड करो. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 August every year. On this day in 1947, our country beta country independence day from the yes our country. आगे चलो. What independence? Independence. Bolo independence. Independence. From the British rule. British rule. Hanji. The. Bash. Main ini beta main. Main. Function of Independence Day. Independence. Is held in Delhi. ठीक है हनूर, अपने आपको अनम्यूट कीजिए. मीनाक्षी आप कंटिन्यू करो इसको, अपने आप को अनम्यूट करो मीनाक्षी और कंटिन्यू करो. वेरी गुड हनूर बेटा, आपको और प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की, ठीक है? मीनाक्षी सेकंड पेइंग क्लास, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा और स्टार्ट कीजिए रीडिंग इसके बाद. द प्राइम मिनिस्टर बेटा एक तो माइक के पास आओ और लाउडली रीड करो. ओके मैम. इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र. पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश. On this day, they bring idols of Lord Ganesha to their houses and worship them. After a few days, the idols are immersed in water. No, Meenakshi, आपने क्या read कर रहे हो? हम तो बेटा Independence Day read कर रहे हैं. Independence Day खोलो. वहाँ पे 7th line है, the Prime Minister. तो मतलब आप क्लास में ध्यान से भी सुन रहे हो. मेरी बुक में वो पेज ही नहीं है. आपके बुक में इंडिपेंडेंस डे का पेज नहीं है? मैं पेज नहीं है. ओके बेटे. नो मैम. ओके बच्चे फिर म्यूट करो अपने आप को. लेट मी गिव द चांस. नेशनल फेस्टिवल का पेज.
पता नहीं बेटा को मैं देखती हूँ फिर ओके बेटा लवी बेटा रीडिंग फिनिश करो इसके पास्ट नो ओके आई रीड फॉर यू ठीक है आप सुनो मैं रीड करती हूँ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट फ्लैग्स आर आल्सो होइस्टेड ऑल ऑन ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड स्कूल्स ऑन इंडिपेंडेंस डे वी रिमेंबर अवर फ्रीडम फाइटर्स who sacrificed their lives for our motherland. Okay? So, Independence Day, first line. Independence Day, kab hum celebrate karte hain? 15 August every year. Sab bolo, mere ko sab ka lip sync dikhai deni chahiye. Kab celebrate karte hain? Independence Day? Shabash. 15 August every year. Aur is din 1947 ko hamara desh jo hai, wo British rule se azad hua tha. ब्रिटिश रूल का मतलब अंग्रेज जो थे उनका इंडिया पे राज था वो इंडिया को रूल करते थे और इस दिन 1947 को जो ब्रिटिश थे ब्रिटिश रूल खत्म हो गया था और ब्रिटिश जो थे इंडिया छोड़ के चले गए थे और हमारा इंडिया जो था वो आजाद हुआ था इसलिए हम उस दिन से इस 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं और इस दिन मेन फंक्शन होता है दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट पे नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं रेड फोर्ट पे नेशनल फ्लैग लहराया जाता है और प्राइम मिनिस्टर लहराते हैं फ्लैग्स उसके अलावा ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाता है जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं सब जगह इवन स्कूल्स में कॉलेजेस में सब जगह पे नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाता है इंडिपेंडेंस वाले हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं और इस दिन हम अपने उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए सेक्रीफाइसेस दिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं चंद्रशेखर आजाद हैं भगत सिंह हैं महात्मा गांधी हैं ठीक है बहुत हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए बहुत ही सेक्रीफाइसेस करे हैं और जिससे कि हमारे देश को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली सो 1947 को हम आजाद हुए थे तब से हम ये जो दिन है इसको इंडिपेंडेंस डे की फॉर्म में मनाते हैं सो नेक्स्ट फेस्टिवल इज रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे के लिए रिपब्लिक डे क्या था रिपब्लिक डे आराध्या और आप रिपब्लिक डे रीड करोगे आराध्या ओके मीटिंग इज विल बी एंडेड आफ्टर 2 मिनट्स आराध्या बी फास्ट स्टार्ट करो बेटा अनम्यूट करो रिपब्लिक डे रीड करोगे आप No. Fatehdeep Singh, second green, roll number 13. Fatehdeep Singh, second green, roll number 13. Beta, aap read karo. Yes, ma'am. Anji, beta, Republic Day ko read karo gaya. We celebrate Republic Day on 26 January every year on this day in 1950 our Constitution was adopted objected and India became our republic the main function of
Republic Day is held in New Delhi. Okay, bachche. Patadeep, please stop. So this was all for today class. Meeting is going to end. ठीक है आप इतना रीड करोगे द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंप्लीट ऑन वेडनेसडे ऑल द फेस्टिवल्स वी डिस्कस टुडे एंड टू नेशनल फेस्टिवल्स विच वी डिस्कस टुडे यू विल रिवाइज दीज फेस्टिवल्स एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल फिनिश ऑन वेडनेसडे थैंक यू वेरी मच यू हैव अटेंडेड द क्लास वेरी नाइसली टुडे और अभी भी जो बच्चा बेड पे बैठा हुआ है ना वो नेक्स्ट टाइम से सोफे पे बैठेगा या चेयर पे बैठेगा